नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर वैकोली क्षेत्र अंतर्गत आने वाली गौवरी उपक्षेत्रीय प्रबंधक की नाक के नीचे खुलेआम शुरू कोयला तस्करी को लेकर जगत न्यूज 24 ने हंसता हुआ नूरानी चेहरा जिसके पीछे कई राज है गहरा इस टाइटल से खबर चलाई थी, जिसका असर अब देखने को मिला है। इसकी गौवरी उपक्षेत्रीय प्रबंधक की गौवरी से हंकाल पट्टी हुई है। फिलहाल उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय में पर्यावरण विभाग में कार्यरत रखा गया है, किंतु वे अपनी एडी चोटी का जोर लगाकर पुनः गौवरी उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में आना चाहते हैं, जबकि इनके तार नागपुर हेडक्वार्टर से जुड़े होने से इनके काले कारनामों को पर्दे में रखा जाता रहा है, जिस पर कार्रवाई कोसों दूर रहती है, जिसके बदौलत खदानों से होने वाले कोयले के उत्पादन में प्रतिदिन हेरफेर होने की जानकारी सूत्रों से बाहर आई थी कि प्रतिदिन 20 ट्रक कोयले की ट्रांसपोर्टर व अधिकारी की मिलीभगत से बाहर खोले मार्केट में कोयला चोरी छिपे पहुंचाकर करोड़ों के वारे न्यारे किए जाते रहे हैं। वैकोली की विजिलेंस टीम व राजौरा पुलिस की कार्रवाई में दो वैकोली की गार्ड ने उस अधिकारी के आशीर्वाद का भंडाफोड़ करने से सभी राज उजागर हुए हैं, लेकिन इस केस से जुड़े संबंधित ट्रांसपोर्टर पर कार्रवाई होने अभी बाकी है। क्या अब यह जांच की आंच को शांत किया गया है या मौके का इंतजार है, देखते रहिए जगत न्यूज 24। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से रमेश निशान की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।